बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मेरे साथ हुआ है। गाइस जो ये नहीं लिया हम लोग को ब्लॉग में तो इसका मुंह तोड़ देंगे। स्पेशली किसका लेते हैं? सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज है हमारा पहला एनिवर्सरी और एनिवर्सरी के मौके पे भाई सबसे पहले आया हूँ मंदिर, वो है हरिहरनाथ मंदिर जो कि सोनपुर में है। तो पहले चलते भाई भगवान को माथा टेकते हैं और उसके बाद जो काफ़ी सारे प्रोग्राम है, तो चैनल पर बने रहो भाई और आगे का मजा लेते रहो वीडियो का, ठीक है? तो चलिए देखो शुरू करते हैं। तो भाई अभी क्या है कि निधि और मम्मी साथ में आए और बउआ भी है भाई, अभी प्रसाद वगैरह लेंगे उसके बाद निकलेंगे। ये अभी हम पहुंच चुके हैं भाई। तो गाइस फाइनली पूजा वगैरह तो हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेरे साथ हुआ है, वो तो चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। पहले चलते हैं यहाँ से, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये है पूरा भाई हरिहरनाथ मंदिर, ये देख लो। ठीक है, अभी निकलते हैं फिर बता दो भाई स्टोरी क्या क्या हुआ है अभी। तो गाइस फाइनली पूजा वगैरह हो चुका है भाई, चलते हैं सीधा घर पे। तो अभी मुझे बताना था कि स्टोरी भाई क्या हुआ था वहाँ पे। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब हम जैसे ही मंदिर पहुँचे हमें दो तीन चार पंडित जी आपको मिलेंगे, आप भी जब यहाँ आओगे स्टार्टिंग में पकड़ लेते हैं। हम तो पहली बार आए तो आइडिया नहीं था, जैसे ही पकड़े और उसके बाद उन्होंने अपना मंत्र वगैरह जो भी था वो सब करवाए और अपने मन से अमाउंट डाल देते, भाई 2500 देना है, 5000 देना, करने के बाद आपको देना पड़ता है क्योंकि मजबूर कर देते हैं कि भगवान नहीं दीजिएगा तो खुश नहीं होंगे आपसे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, आप मजबूर हो जाओगे और दे दोगे। तो मेरा पहला लगा 2500, तो मैंने देखा चलो ठीक है भैया 2500 में पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब अंदर जाने के बाद एक और पंडित जी जो उनके थ्रू था वो भी ऐसे ही करवाए और उसके बाद वो भी 2500 का डिमांड कर दिया। तो इतना ही कहना था, सतर्क रहे जब आते हैं। तो ठीक है, तो अभी निकलते हैं अपने घर की तरफ और आगे का प्रोग्राम दिखाते हैं कि क्या क्या होने वाला है एनिवर्सरी में भाई। चलते हैं अब सीधा घर पे। गाइस फाइनली भाई घर पे पहुंच चुका हूँ, काफी ज्यादा बाहर गर्मी थी भाई और यहाँ पे अमरदीप भी आ चुका है भाई, ठीक है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एनिवर्सरी खतरनाक वाला मिलने वाला, बहुत सारे लोग आने वाले हैं भाई। वापस से मैं और अमरदीप चल रहे हैं हाजीपुर कुछ सामान लेने हैं, तब तक यहाँ भाई भोज की तैयारी चल रही है, देख लो इधर। ठीक है, चलते हैं भाई हाजीपुर से, चलो। यस, आपको क्या लगा हम भूल गए? हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा। कभी कभी अभी क्या है कि भाई आ चुके हैं हाजीपुर चंदावा में, ठीक है, यहाँ से कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं। अभी क्या है कि शॉपिंग हो चुकी है भाई, अभी निकलते हैं यहाँ से सीधा घर के लिए। तो भाई घर पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो है डेकोरेशन का काम जो है स्टार्ट हो चुका है। तो भाई कुछ इस तरीके से अभी थोड़ा सा रेडी हो चुका है। हाँ हरदीप, गाइस बताइए कुछ। गाइस फाइनली जो है रेडी हो चुका है भाई, ये रहा फाइनल डेकोरेशन, ये है नीचे गुब्बारे वगैरह ला दिए हैं और अभी कैंडल जलेगा और ये हमारा भाई एनिवर्सरी का एक ये केक है, दूसरा ये है। क्या अभी कैंडल जलाते हैं फिर देखना। गाइस ये लपड़ा हमको नहीं लिया था, इसका दांत तोड़ देंगे। गाइस जो ये नहीं लिया हम लोग को ब्लॉग में तो इसका दांत तोड़ देंगे, दांत भी तोड़ेंगे गाइस एकदम। आराम से आराम से, कभी मोटर तो नहीं जाना ना भाई। ताली बजा दे। हां हां बोला क्या, दोबारा फोन तोहरी में बसे आने हमरो परन वहो रात दिन। अलग तो गरज तो बरस तो ब्लॉग में कमी नहीं करना चाहिए गाइस। गाइस चीज़ गाइस ये नहीं दिखा, ए भाई रे।
बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। ज्योति ठाकुर दो बजा हुआ है। तेरा चांद सा मुखड़ा तू जिगर का है टुकड़ा। सब सपने हो से कटिंग हो चुका है और अभी इधर जो है भाई डांस वगैरह चल रहा है और यहाँ पे चेक कटिंग हो रहा है भाई। चेक कटिंग वो वाला नहीं कटिंग जो मैंने किया है और उसको कट किया जा रहा है लोगों को देने के लिए। यहाँ पे साक्षी है और इधर निखिल जो है ठीक है और इधर चल रहा है भाई डांस डांस दिखाते हैं उसको देखो। चलो स्पेशली किसका लेते हैं? मामी का। मामी जी है। तो गाइस कल जो ब्लॉग है एंड नहीं कर पाया क्योंकि भाई लेट नाइट तक डांस चलता रहा और उसके बाद सीधा सो गया और सुबह में भाई लेट उठाऊँ ठीक है। तो बाकी जो कल का जो फंक्शन था भाई काफ़ी मस्त रहा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ठीक है। तो ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और हाँ, उन सबको दिल से थैंक यू जो अपना समय निकाल के एनिवर्सरी में आए और अपना आशीर्वाद दिए भाई। अगेन थैंक यू सो मच।